नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पीएमएस स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख खेल तथा खेल के खिलाड़ियों की संख्या। दोस्तों, आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है और इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन एक या दो पूछे ही जाते हैं कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करते हैं और अच्छे से देखते हैं कि कौन से खेल में कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने पीएमएस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। पहला खेल है दोस्तों बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। इसके बाद है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। इसके बाद है दोस्तों बैडमिंटन। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या फिर 2। इसके बाद है दोस्तों वाटर पोलो। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। इसके बाद है दोस्तों जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या होती है 8। इसके बाद है हॉकी। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। इसके बाद है कबड्डी। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या फिर 2। इसके बाद है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। इसके बाद है खो खो। खो खो में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। इसके बाद है दोस्तों क्रिकेट। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। इसके बाद है दोस्तों बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। इसके बाद है दोस्तों लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या फिर 2। और अंत में है दोस्तों फुटबॉल। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।